अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। लाइक पूरी दुनिया में जी सोयाबीन और खाने का जो तेल है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में जी वो कीमतें बहुत कम हो गई। मतलब काफ़ी मतलब बड़ा जो है ना डिफरेंस आया है, 20-25% इसमें कमी आ गई है। जबकि अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में ऑयल की बहुत ज़्यादा कीमत है, जबकि बांग्लादेश में अब ये कम होना स्टार्ट हो गई है। डैट्स अ वेरी 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 बिग न्यूज़, काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस है ये। इस चीज़ को लेके इंडियन मीडिया की जानब से रिपोर्ट किया जा रहा है। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं, क्या ओपिनियन है उनकी। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है इन साउथ एशिया में बांग्लादेश एक न्यूज़। क्रूड सोयाबीन ऑयल का रेट 28% ड्रॉप हुआ है, पाम ऑयल का 25% ड्रॉप हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो उसके ऊपर जो पहले इम्पोर्ट ड्यूटी थी हटा ली गई थी, अब वापस इम्पोज कर दी गई है। और पूरी दुनिया के अंदर जो है सोयाबीन का जो तेल है और जो पाम ऑयल है इनके रेट्स में काफ़ी 25-30% की कमी आ गई है, क्योंकि दुनिया में जैसे जैसे रिसेशन आ रहा है चीज़ें जो महंगी हो गई थी अब धीरे धीरे वापस उनकी कीमत कम हो रही है, क्योंकि लोगों ने उसकी ख़रीदारी कम कर दी है। और जिसके कारण से अब ये हुआ है कि जो सेलर्स हैं उनको मजबूर होकर अपने प्राइसेस को नीचे करना पड़ रहा है ताकि वो बिकें, अदरवाइज़ उनका माल बिकेगा नहीं। और ये राहत मिली है आम आदमी को कि उनको जो पाम ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है उनके जो रेट्स हैं थोड़े से कम हो गए हैं, तो उनको फ़ायदा मिल रहा है। आप लोगों ने देखी है सोयाबीन और पाम ऑयल जो है बांग्लादेश में सस्ते हो गए हैं। लाइक 20-25% जो है इनकी जो कीमत है, इनकी प्राइस है, उसमें कमी आ गई है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसकी जो प्राइस है उसमें कमी नहीं आ रही। इन्होंने कहा कि ग्लोबली अगर देखें तो जो इसकी डिमांड है लोगों ने इसको लेना बंद कर दिया, इसको कम कर दिया, जिसके बाद जो सेलर है उसने देखा कि अच्छा अब इसकी जो सेल है वो कम हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने जी अब इसकी प्राइस को कम करना शुरू कर दिया ताकि जो बायर्स हैं जो वापस इसको बाय करना स्टार्ट कर दें। आई डोंट नो पाकिस्तान में कब इसकी जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी, पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये सुन के खुशी हुई कि बांग्लादेश में 20-25% जो है इसमें कमी आ गई है। लाइक अगर 300 रुपये थी ऑयल की बांग्लादेश में प्राइस, अगर उसमें ठीक है 25% कमी आई है तो अब 240-250 जो है कीमत बनती है। और आई थिंक आप लोगों ने बताना है कि अब कितनी कमी आई है, पहले क्या प्राइस थी, ठीक है आप लोगों ने एग्जैक्टली मुझे बताना है। वेल आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों ने जो भी कहना है लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, लव।